अर्चना जी, सारी दुनिया को एक ही बात का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों की बड़ी आदत होती है कुछ भी बोलने की। इंसान जिस शहर में पैदा होता है ना, वहां पे आप छोटा मोटा धंधा तो कर ही नहीं सकते। लोग ताने दे दे मार देते हैं, ओ शर्मा जी को बेटा समोसे बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, घर का सामान थोड़ी बेच रहा है, काम तो कर रहा है। और बहुत सालों तक तो लड़कियों को इसलिए ड्राइविंग और फ्लाइंग नहीं करने दी गई कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लड़की होके ये काम करेगी। आज देखो आप लड़कियां हर फील्ड में आ गए हैं, हमारे यहाँ पे तो लड़के आदमी लोग भी इस कोशिश में रहते हैं कि हम लड़कियां बन जाएं कि नहीं। अच्छा जी, हाँ मतलब काम करना चाहिए इंसान को। कहने वाली बात यह है कि तरक्की वही करता है जो कभी परवाह नहीं करता कि दुनिया क्या बोल रही है और लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, ठोको इस बात पे ताली। तो एक अर्चना जी गाना रिलीज हो रहा है जिसका टाइटल यही है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। और इस गाने के सिंगर, वीडियो में परफॉर्म करने वाले कलाकार और डायरेक्टर जो हैं आज हमारे खास मेहमान हैं, तो उन सबको मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी। एक मिनट में सबकी अटेंडेंस ले लूं सर। थोड़ा मिस्टर रेमो डिसूजा प्रेजेंट सर, मिस्टर पुनीत पाठक प्रेजेंट प्रेजेंट, मिस्टर धर्मेश यही है, मिस्टर सलमान यूसुफ खान सर, मिस्टर राहुल शेट्टी प्रेजेंट सर, मिस्टर सुशांत पुजारी यस सर, अभिनव मौजूद हूँ सर, राघव एब्सेंट है सर, राघव पहाड़ों में गया होगा। यस, अब पैसे खत्म हो जाएंगे आ जाएगा। ये ना सर, अभी ना थोड़ा सोनी ने बोला है कि जो भी गेस्ट आए थोड़ा हिसाब किताब देना है। अच्छा? किसका इंटरव्यू लिया क्या, क्योंकि बीच में लॉकडाउन में फिल्में नहीं आ रही थी ना। हाँ, तो अर्चना ने दो लोगों का इंटरव्यू करवा दिया ये बोल के कि ये प्रोड्यूसर है अपने मामा और ताऊ का। बाद में पता चला ना वो प्रोड्यूसर थे ना मामा ताऊ, 1500-1500 पर हट लिया इन्होंने। खैर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इतने सारे फिट लोग बल्क में आए हैं, वाह। और आपके गाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल का गाना बनाया। थैंक यू। अच्छा रेमो सर, अगर मास्क पहन के निकले इतने सारे लोगों के साथ, छोटे जिले में चले जाओ तो लगता है विधायक आए हैं इतना। और जहां तक मुझे याद है रेमो सर ने हमेशा अच्छे काम ही किए हैं, तो आप क्यों गिरोह के साथ निकलते हो, अकेले कम ही निकलते। पर एनीवे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोफा देखिए आप एक्सपैंड हो चुका है। अच्छा मेरे को कोई बता रहा था रेमो सर की टीम में इतनी बड़ी टीम है, इतनी टैलेंटेड टीम, पर अब लोग तो बोलते ही ना, लोग तो कब क्या कहें, लोग क्या कहेंगे, अभी कितना सोच रहा है। पर लोग बोल रहे थे कि काम करने वाले एक दो बंदे हैं, बाकी घेर के रखते हैं कि पार्टी हाथ से निकल ना जाए, जो प्रोड्यूसर होता है। तो सर ये बजट ज्यादा पास करवाने के लिए टीम बड़ी दिखानी पड़ती है, डिपेंड करता है एक्चुअली कि क्या सब्सिडी ज्यादा मिलती है। सब्सिडी ज्यादा मिलती है, देखो कितना बड़ा गाना शूट कर रहा है, कितने लोग हैं। मैंने सुना गए आप एक गाना करने थे, कर वहां पे पांच आए आप। हाँ, एक्चुअली मैं गाना करने नहीं गया था। फिर क्या करने गए थे? मैं लॉकडाउन से थोड़ा सा छुटकारा मिला तो अच्छा, मैंने कहा गोवा जाते हैं, और एक महीने के लिए हम लोग चले गए, मैं लिजेल और बच्चों को लेके चला गया मैं एक महीने के लिए वहां पे, और गोवा खाली था उस वक्त। अच्छा, कोई नहीं था गोवा, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये गोवा जो है वो कभी देखा नहीं हमने, और ना आई थिंक किसी ने देखा भी नहीं होगा ऐसा गोवा। हाँ, खाली गोवा। हाँ, उसके बाद हमने गोवा एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल लोकेशन जो हमने मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। अच्छा जी। एंड देन मैंने बोला इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है, इससे पहले कि कोई दूसरा है यहाँ पे इस सारे गाने शूट कर ले, मैं ही कर लेता हूँ। एंड देन वापस आया, मैंने प्लान किया, एंड देन वी वेंट, एंड गाने हमारे खुद के थे और बी लाइव अपना खुद का था। तो और उसके बाद टूरिस्ट आए भी कई, वो इन लोगों की भीड़ देख के चले गए, कहते बड़ा रश है गोवा में। तो रेमो सर ये जो गाना है लोग क्या कहेंगे, सब लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं आप बताएं हमें। लोग क्या कहेंगे गाना हम सब पे लागू होता है एक्चुअली, इनफैक्ट आप पे भी होता है कभी, और जब हम लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़े तो सब लोग कह देते कि भाई तुझसे नहीं होगा यार। राइट। बट किसका आइडिया था ये लोग क्या कहेंगे? ये हमारे राइटर और सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर अभिनव का आइडिया था। नाइस थॉट। हां, लोग क्या कहेंगे, फिर मैंने मेरी जो बेस्ट गिरोह को, पूरा गिरोह, जो पूरे गिरोह को आपने इकट्ठा किया और लूट लो फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री है। हां, आप तबला भी बजा लेते हैं अभिनव? नहीं सर, बजा के देखो, बज जाएगा मुझे लग रहा है ऐसे। नहीं अच्छा ये सब लोग इतने टैलेंटेड हैं, डांस में तो माहिर है ही, फिल्मों में भी एक्टिंग करते हैं, अभी म्यूजिक वीडियो में भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप सच में अच्छे एक्टर हैं या आपका ये मानना है कि छोड़ो परा लोग क्या कहेंगे हमें क्या लेना देना? देखो मानते भी हैं। हाँ, और लोग क्या कहें फर्क भी नहीं पड़ता। क्या बात है। पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा, डांस में जब सब लोग स्टार बन गए हैं तो डांस को इज्जत और बढ़ गई है, नहीं तो क्या होता था, बच्चे घर में डांस करते हैं ना, माँ बाप यही कहते हैं सारा दिन नाचता रहता है, इसने कुछ नहीं करना।
तो यार इसमें भी करियर होता है। हाँ। तो अब बच्चे जब डांस करते हैं तो माँ बाप रोकते नहीं, अगर कोई रोके भी तो वो इनका नाम लेते हैं कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। Yes, that's true. और जो नहीं कर पाते डांस वो फिर ऐसा शो बनाते हैं, वो फिर बैठ के इंटरव्यू करते हैं। अच्छा रेमो सर के साथ सारे दोस्त हैं उनके, है ना, फिल्मों में काम करते हैं, रियलिटी शो में साथ में काम करते हैं, म्यूजिक वीडियोस में, लाइव शोज में साथ में होते हैं सब। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे को बुला लेकर वीडियो में थोड़ी थोड़ी सारे वीडियो में सारे डांस ही करें। कोई वैसे कोई सुभाष की तरह वैसे भी शॉर्ट वॉट ले सकता है कोई, गा देखो सकता है। इन्होंने बोल दिया है अभी रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, श्रेयाम बोला मैंने, बस हो गया आपका गाना पता। लेकिन जो भी यहाँ पर आता है बोलता है नहीं नहीं आपसे वीडियो करवाएंगे, आपसे गाना गवाएंगे, लेकिन कोई नहीं गवाता। हाँ। ये बहुत सैड स्टोरी है कपिल के। अरे पैकअप के बाद भाई नहीं बोल के जाते मेरे को। काम जाएंगे मतलब। ऐसा होता है। वैसे मैंने रेमो सर को जब भी देखा ना बड़े स्टाइलिश रहते हैं। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी स्टाइलिश थे या बनियान बरमूडा में आ गए थे आप भी? एकदम बनियान और मैंने वीडियोस देखे बॉक्सर्स, वो बरमूडा वाले वीडियोस रेमो के। वो स्टेप किया आपने घर पे वो वाले? अच्छा ये वाली वीडियो मैं बता दूं कि करना तो नहीं था लेकिन इतना फोर्स आ गया था सब तरफ से कि हमको वीडियो चाहिए, एक डालो, एक वीडियो डालो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो फिर चालू हो गए हम लोग। मैंने बड़े काम किए रेमो सर। क्या बड़े? मेरे को पता चल गया मेरे घर में धूप कहाँ से आती है और कितने बजे तक आती है। कई कमरों में तो हमें पता नहीं था एक्चुअली। तो फिर सबने बोला ना इम्यूनिटी बढ़ाओ, धूप में बैठो, मैं धूप में भी बैठा रहा, फिर मेरे को सारे कोने कोने का पता चल गया। पर लॉकडाउन ने इतना टाइम दे दिया ना, मतलब मैंने मेरी बीवी को बोला, मैंने कहा हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो 20 साल जितना टाइम स्पेंड कर लिया है तो ऑलमोस्ट हम लोग एक जन्म का तो बिता चुके हैं, बाकी रह गए 6। आप सब लोगों का लॉकडाउन कैसे निकला फिर? यहाँ से शुरू करते हैं सलमान। यार मेरा बहुत प्रोडक्टिव था क्योंकि मैं जितना टाइम अपने बीवी और बच्चे को नहीं दे पा रहा था, आई कुड डू दैट। यार 4 महीने बाद पक गया यार। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मैं आई एम नॉट अनग्रेटफुल, क्योंकि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सिर पे छत थी, वी वर वेल प्रोवाइडेड। और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव यही चेंज हुआ कि यार जब घर पर बैठा हूँ वाई नॉट हेल्प पीपल। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैंने अपने दोस्तों को जोड़ा, एक ग्रुप बनाया, और जितने लोगों को अपने खानदान में और रिश्तेदारों में मदद कर सकता था मैंने वो कोशिश की है, छोटी सी जितनी भी मेरी चादर है उतनी मैंने कोशिश की। आई थिंक बहुत सारे इमोशंस से मैं गुजरा हूँ इस लॉकडाउन में, एंड लाइफ को लेकर एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। क्या बात है, बदला हुआ सलमान देख रहे हैं हम। एकदम से गुरुदेव दाढ़ी बढ़ा के कोई प्रवचन ना देने लग जाना। पूछा तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं तो लॉकडाउन में क्या रहा, मुझे क्या पता कनेक्शन जुड़े हैं, ये सब हुआ इतना सारा। मैंने तो अपनी टॉयलेट की टाइलें गिनती सारी, ऊपर वाली बड़ी वाली कितनी, छोटी वाली कितनी, कितनी है? जेट स्प्रे तो मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। मेरा जेट स्प्रे का प्रॉब्लम था, करते तो ऐसा लगता था वो मैंने ठीक किया खोल के। तो फिर धर्मेश आपने क्या किया लॉकडाउन में? मैं तो पहले से वही था, मतलब लॉकडाउन से पहले वही था, 8 महीने 8 महीने था, मैं कल ही आया। तो आपका वहाँ पे घर है? मैंने अभी लिया। अच्छा अच्छा। और आपने क्या किया सुशांत? सर मैं वाइफ के घर पे वहाँ पे अटक गया था, और फिर वाइफ के घर पे ससुराल में मैं ससुराल या मायका। ससुराल कहाँ आपके? पुणे में सर। अच्छा, तो वहीं पे अटक गया था, और उसके बाद में तो सिर्फ खातिरदारी हो रही थी, तो आई थिंक मैंने तो बहुत ऐश किया। शादी को कितने साल हुए? 4 साल हो गए सर। एक आध साल और होगी खातिरदारी, उसके बाद लॉकडाउन भूल के मत जाना। पहले 2 दिन सब्जियां बना खिलाएंगे, 3 दिन झाड़ू देंगे, बड़ा वाला बोलेंगे बेटा सारा पत्ते पत्ते गिरे ना तो देख लो। और आपने क्या किया अभिनव? सर मैंने तो लोगों के इंस्टाग्राम के वीडियोस देख देख के पहले उनसे मोटिवेट हुआ कि हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना बनाना सीखा, गाने वाने बनाए, पर 1 महीने तक तो बहुत चला कि भाई इनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद और थोड़ा ठंडा पड़ते गया। मैंने बोला अब कुछ नहीं रखा है सब चीजों में। इतनी अनमोटिवेटेड बात की है ना, ये चलेगी नहीं टीवी पे कि मैंने सब छोड़ दिया। ये उसको उल्टा बोल दो कि अब से मैं रेगुलर कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो कट जाएगा ये, बोल दो कि अब मैं आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सर मैंने लाइक लोगों से बहुत कुछ सीखा, उनसे मोटिवेटेड फील किया, एक्सरसाइज किया, खाना वाना बनाना सीखा, और बहुत सारे गाने लिखे। वेरी गुड। बेचारे ने बोला भी ऐसे, बोल के दिया। राहुल लॉकडाउन था बड़े ही हो जाते। क्या किया फिर आपने राहुल लॉकडाउन में? बाजी पहले 3 महीने जो सबने किया वही किया, दलगोना कॉफी ये वो जिम विम सब किया। अच्छा। फिर एक दिन इनका फोन आया कि उनका कुछ शूट था, 2 दिन उन्हें परफॉर्म करना था, तो उसके लिए गोवा जाना। तो हम गोवा पहुंचे, 1 हफ्ते का शेड्यूल, उसके बीच में 2 दिन शूट था,
तो मतलब चलो दो दिन शूट हो गया और उसके बाद भी लोग निकल नहीं रहे और निकल ही नहीं रहे. फिर वो दो दिन का शूट एक महीने में तब्दील हो गया और हम एक महीना गोवा में थे और जितना गोवा हमने देखा हम शायद एक भी दिन बीच पे नहीं गए यहाँ वहाँ. फिर जब बॉम्बे आए तब पता चला कि ये रेकी कर रहे थे और जितने लोकेशन पे हमने पिकनिक स्पॉट बोल के गए थे उन सभी लोकेशन पे नेक्स्ट टाइम जाके शूट किया. तो ये गाना भी जो हमने आपको लगता है गुजराती आदमी बिना काम के कहीं जाएगा. आपने कैसे सोच लिया पिकनिक मनाने गए? मुझे तो लगा हम पिकनिक मना रहे बट फिर सेकंड स्केड में समझा कि हम तो अभी तो आपने सारा गोवा देख लिया पूरा. पंजिम में क्या भाव चल रहा है जगह का? वो भी मैं बता सकता हूँ. सब पता पता क्योंकि सीरियसली पता है. हाँ हमने एक्चुअली इतने प्लॉट्स भी देखे ऑफ द रिकॉर्ड. सर ने जो अभी लिया बहुत डायरेक्टर डायरेक्टर ही होता है ना. हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा. कुछ नहीं प्लॉट ले रहे हैं गोवा में. अच्छा आपको एक और खबर देनी है मैंने. ये पुनीत नहीं है? हाँ. इसकी किसी ने पकड़ के एंगेजमेंट कर दी. पकड़ के मैं आपको मतलब खुलने ही वाला था लॉकडाउन क्या हो गया? कभी भी टाइम खराब चल रहा हूँ कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए. ये मुझे रियलाइज हुआ कि कितना एफर्ट जाता है यार ये एंगेजमेंट और शादी का प्लानिंग वैनिंग में. तो पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द लॉकडाउन मैंने वही किया, सब किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, वर्कआउट किया, खाना बनाया. पर जो आदमी इतनी मेडिटेशन करता है वो कैसे शादी का फैसला ले सकता है? नहीं जोक्स अपार्ट बहुत बहुत मुबारक पुनीत आपको. थैंक यू. आप नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. और आप कब कर रहे हो शादी? होपफुली इसी साल हो जाएगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये साल लोग बुरी चीजों की वजह से याद रख रहे. मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज के लिए याद हो. पुनीत देखो अभी क्या है, आप इस साल शादी करेंगे, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चल रही है, 50 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते. तो हमें पता नहीं आप हमें बुला पाएंगे या नहीं, है ना, सब इकट्ठा हो पाएंगे. तो हमने एक छोटा सा मोमेंट प्लान करते हैं आपकी शादी का. ये सब लोग आपके बराती हैं, आप आ रहे हो घोड़ी बैठ कर. हमने अरेंजमेंट किया, मना मत करना, खर्चा हमारा हो चुका है चैनल का. तो मैं बनता हूँ दुल्हन की सहेली. दुल्हन कहाँ पे? यार इतना अभी है, मुफ्त में इतना कॉमेडी शो में असली चाहिए आपको. इतना भी बजट नहीं है हमारा भाई. एक बार जोरदार तालियां हमारे बैंड वाले दोस्तों के लिए. सारी बारात का स्वागत हम सैनिटाइजर से करेंगे. सारे बारातियों के शगुन के लिफाफे चेक होंगे. 2000 के ऊपर जो शगुन डाल रहा है उसको बुफे में इधर चले जाइए. जो 2000 से कम आप बुफे में आइए. जो 2000 से कम वाले हैं लाइन में बैठ जाइए आप. ओके. और जिनका उससे भी कम है उनको हम पार्सल देंगे. भाई ये सैनिटाइज क्यों कर रहे हैं तलवार? ये मुझे लगता है दूल्हे को देते ही इसलिए कि जिसने तेरी शादी करवाई उड़ा दे गर्दन उसकी. ये निकाल दूं क्या? तो ये बता इतना तू क्यों खुश हो रहा है? अपने दोस्त नाच रहे तो अच्छा लगता. अच्छा. पुनीत कैसा फील? हम आपको रिहर्सल करवा रहे थे कि अब आप दूल्हा बनेंगे जब तो आपको फील आना चाहिए पहले कि यार मैं ऐसे जाऊंगा बारात लेके, यार दोस्त मेरे नाच के जाएंगे सब. नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया कि फॉर श्योर मेरी शादी में मैं ऐसी एंट्री तो नहीं करूंगा. हमारी बेइज्जती कर रहे? अच्छा फिर ठीक है. जोरदार तालियां सब बरातियों के लिए. आइए पुनीत ऐसे ही बैठ जाओ. सच्ची में? हाँ. अच्छा लगा. ब्यूटीफुल. बाय रेमो सर, बाय सलमान, बाय धर्मेश, बाय सुशांत, बाय अभिनव, बाय राहुल. ओए बाय कर रही, बात नहीं कर गया? तो इतने सारे गेस्ट कौन बुलाते रहे शो के ऊपर? हमारी टीम में इतना राइटर नहीं है जितने गेस्ट बुला के रखे इन्होंने. किस पे बातें बनाए हम लोग, कितनी बात बनाए हम लोग. मेरी बुआ की शादी में इतने लोग नहीं आए थे मालूम है? क्यों नहीं आए थे? बुआ है नहीं तो शादी होगी कहाँ से? देखो ए, 2 साल से मेरे को बहन बना के रखा है इसने. इसको परिवार का पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है. वाह मेरे को डायलॉग दे 1 करोड़ दो. खुद 1-1 करोड़ लेके जाता है एक एक एपिसोड का ये. वाह हाय रे कैसे आप? वेरी नाइस. बहुत अच्छा. अच्छा रेमो सर ये आपका स्टेप बहुत अच्छा लगा, बहुत फेमस भी हुआ है. तो नॉर्थ में अभी सर्दी पड़ ली थी तो नॉर्थ वाले जानना चाहते थे अगर गर्मी का ये स्टेप सर्दी में कौन सा वाला करने का. ये आप ना प्लीज इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना, वो लोग जानना चाहते हैं. सपना काम की बात कर. हाँ काम की बात करती है. मैंने आप लोग की पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा. उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही. हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी. खुल रहा है सब, धीरे धीरे खुल रहा है. हाँ तो अपने सवाल तैयार कर और आप अपने जवाब तैयार कीजिए.
क्योंकि अमृतसर का लॉकडाउन भी खुल चुका है. वो बंदा वहां से निकल चुका है. वो यहाँ पर आएगा, पूछेगा तेरा यहाँ पे क्या काम, क्या जवाब दोगे, जवाब तैयार कर लो. है ना, समझ गई ना गुरु? वेरी नाइस. यू आप लोग का देखा मैं एल्बम ना, बहुत अच्छे के आप लोग उधर सब लोग थे गोवा में. जी जी जी. तो सिर्फ शूटिंग ही किया उधर आप लोगों ने? क्या मतलब? नहीं मतलब पैराग्लाइडिंग, स्नॉकलिंग ऐसा सब भी रहते ना, इसलिए मैं पूछी. मेरे को रेमो सर आपका एक बात बहुत अच्छा लगता है मेरे को. कौन सी? पता है कप्पू, जब भी इधर शो पे आते हैं ना, मस्त मस्त कौले लौंडे लेकर आते हैं. हाँ सच्ची, मैं अभी देखो नया फ्रेश लौंडा लाए. तो कोई पसंद है तो बता दे, रेमो सर शादी करवा दे. शादी का क्या फायदा? क्यों, शादी के बाद भी इनको रेमो सर के साथ ही तो घूमने का है. अभी देखो हुआ ना एंगेजमेंट. हाँ, और मैं इधर बैठा, इधर ही बैठे हो. अरे घर पे जाओ, लॉकिंग पॉपिंग करो, इनके साथ क्या हिप हॉप कर ले. लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ, शादी के बाद ना सबकी जिंदगी बदल जाती है. लेकिन अभिनव का तो नाम ही चेंज हो जाएगा. कैसे? ये अभिनव है तभी 10 होगा. फिर 1 साल बाद 11 होगा. हाँ. और 2 साल बाद 12 होगा. वो क्या सिंगिंग पे ध्यान देगा, यही करता रहेगा क्या पूरी जिंदगी? आप पहली बार आए ना इधर? जी, जी. मैं से फर्स्ट टाइम. यस सर. मैं सच्ची बोलती है, मेरा भाई हिंदुस्तान का नंबर 1 सिंगर बनेगा. हाँ. मैं अपने भाई से फिर मिलवाएगी आप. कैसे? एकदम ठीक. वेरी नाइस. और ये क्या है, ये क्या रखते हैं आप लोग? मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग इधर सब साथ में थे तो इनके साथ रह के मस्त मस्त डांसर लोग ऐसे डांसिंग वांसिंग नहीं सीखे क्या? वैसे कैसे सीख गए होंगे, ऐसे थोड़ी होता है. नहीं कप्पू, ऐसे रहता है, संगति का असर होता है. अब देखना तेरी संगति में ये अपना दिनेश ये लोगों को हंसाता है, मालूम है कितना हंसाता है? वो तो गिटार बजाता है. हाँ तो उसको गिटार बजाते देख लोग हंसते ही है, और क्या करते. यू वेरी नाइस. शेट्टी ना? हाँ शेट्टी. मैं इसको बोला था मालूम पहले एपिसोड में कि मुंबई में टिके रहना है तो शेट्टी लोग से बना के रखने का. मैं सच्ची में मैं आज भी शेट्टी लोग के साथ बना के रखती है रिलेशनशिप. नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना मेरे से, दूर रहना. हाँ मैं कप्पू तेरे को बोलूं, तू भी शेट्टी लोग के साथ बना कर रख सोशल डिस्टेंसिंग. नहीं नहीं रिलेशनशिप, हो सकता है रोहित शेट्टी तेरे को भी फिल्म में ले ले. ए, तुम लोग भी बना के रखना शेट्टी लोगों से. नहीं तेरे से, इनका शेट्टी तू ही है. रेमो सर मेरे एक पर्सनल काम, मैं आऊं क्या उधर? आपका शॉट तो नहीं ले, उधर से बोलते थे ऐसा नहीं वैसा नहीं. अंकल है ना, आज चलेगा ना? बाद में भड़कते खत्म होते ना, उधर क्या गई थी तेरा वो नहीं आया. रेमो सर मेरा पर्सनल, मेरी बुआ है ना उधर नासिक में रहती है, तो मैं उसको मुंबई कब बुलाऊं उसको? उनसे क्यों पूछ रही है? अरे वो शो में बोलते रहते ना आप मुंबई नहीं आ सकते, आप मुंबई नहीं जा सकते, तो इन्हीं से पूछेगी. सपना तू कितनी फालतू की बातें कर रही है, नहीं मेहमान आए कुछ लेके आती उनके लिए. हाँ हाँ मैं लाई ली ना गेस्ट. ये ठीक है, ये कॉकरोच, इतने साल ये कॉकरोच लेके आते थे, अब इस बार मैं लेकर आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मेरे को कॉकरोच से याद आया, धर्मेश. हेलो हेलो. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. हाँ मेरे को एक गाना सुनाओ ना. अबे वो सिंगर थोड़ी है. हाँ तो रेडियो पे सुना दे, तो मुंह से थोड़ी बोल रही हूँ मैं. हाँ अच्छा, आप ना मेरे को 2 दिन के लिए नाला सोपारे में लगेंगे. क्यों? हाँ उधर ना मेरे को एक बैंक लूटना है. तो मतलब क्या तेरे को लुटेरे लगते हैं? तो ऋतिक रोशन भी क्या लुटेरे लगते? नहीं ना, धूम में लूटा था ना उन्होंने बैंक. हाँ फिर मेरे को मालूम था इसमें मजा नहीं आने वाला है. सपना यही सब करने आई तू? नहीं नहीं मैं एक्चुअली कप्पू में रेमो सर के ऊपर किताब लिखी है वो बताने के लिए आई थी. सर मैं आप पे किताब लिखी है. क्या क्या बात? हाँ डांस का डेमो, डिसूजा का रेमो इसका टाइटल है. ये क्या लिखा है, तेरे को पता भी है इनके बारे में? इनके बारे में किसको नहीं पता है. अरे क्या ये देख, सब नए नए लड़के लोग को टीवी में स्टार बनाया इन्होंने, फिल्मों में स्टार बनाया. ऐसा थोड़ी रहता है, कोई देहरादून से कोई मुंबई से, किधर किधर से लोग को स्टार बनाते. रेमो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए. तो इसमें
गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो तो देश के कोने कोने से लोगों को स्टार बनाया, बिल्डिंग में एक लड़का रहता है। कृष्णा उसको कभी काम दिए क्या? अरे मेरे को एक बात बताओ, क्या कमी है आप में? आप में क्या कमी? आप में ये होता है, क्या कमी है उसमें? उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, इन्हीं में कमी है। मैं ऐसा बोल बोल के ना, मेरा भाई ने कृष्णा रोहित शेट्टी से भी पिक्चर ले रहा था, मैं आपसे पिक्चर लेके रहेगी रेमो सर। अरे क्या कर जूता मस्त है। मैं क्या बोलते कप्पू? सर हमारे आप लोग तो आ चुके, हमारा अलग अलग टाइप का मसाज है, तो मेरे पास मसाज है। क्या है? मेरे पास एक मसाज है, रेमो डिसूजा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, कस्टमर रहते हैं, हम उसका कपड़ा निकालते और ऐसे ऐसे करके उसको घर भेज देते। ये क्या मसाज है? तेल तो लगाया नहीं। अब जो काम नहीं देता उसको तेल क्या लगाने का? मैं कप्पू, मेरे को सब बहुत अच्छे लगते हैं, कोरियोग्राफर जितने फिल्म लाइन में, एक मेरे को ना बहुत टॉर्चर किया आदमी। कौन? आपकी बिल्डिंग अभी आप शिफ्ट हुए ना उधर, गणेश आचार्य। क्यों? अरे वो जब भी आती है गणेश जी, मैं उनको मसाज करती, थोड़ा प्रेशर कर दो, आचार छोड़ के जाती है। मैं चलती, मेरे को जाने के अभी। बस जा रहे हो? अब जितना इतना ही लिख के देते हैं लोग उतना। अभिनव के लिए जोरदार तालियां, बड़ा अच्छा इन्होंने गाना गाया है, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। और इस वीडियो में कितने सारे स्टार्स हैं यार, मतलब ये सब लोग धुरंधर हैं अपने काम में, और रेमो सर ने उसको डायरेक्ट किया है, इतने सारे धुरंधर लोग एक वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं, आपको इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि अब जब हम कपिल शर्मा शो में जाएंगे मुझे सोफा मिले ना मिले, ऐसा आपके दिमाग में तो नहीं आया? जब स्टार्टिंग में लगा इन्होंने बोला कि कपिल सर के शो में जाना है तो मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, बट अल्टीमेटली मैं अभी तक चेक कर रहा था कि ऐसा सच में कोई बिंच करके मुझे बता दे कि यहाँ पे आ रहे हैं और आप लिटरली मुझसे आप सवाल करोगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये स्वीट ऑफ यू अभिनव, पर मैं आपको एक बात बोलूं, इनके सामने ठीक ठाक ही गाना, ज्यादा ये दूसरे का काम पकड़ लेते हैं। पहले ये एक्ट्रेस के साथ आते थे, अब ये खुद एक्टर बन के आए, इसलिए थोड़ा जितनी मर्जी यारी दोस्ती हो अपना टैलेंट छुपा के रखना। रेमो सर, मैंने सुना आप सिंगर्स को भी आजकल नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यस, ओरिजिनल जो सिंगर थे कि अपने बंदों को सिंगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले पता चले बाद में ये लोग सारे सिंगर बन के आ गए। नहीं, एक कंपनी है मेरे दोस्त मेरे भाई की, बी लाइव। ओके, वो प्लेटफॉर्म इसलिए हमने क्रिएट किया है क्योंकि एक डांस में मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जहाँ से ये स्टार निकले जी, तो ऐसे ही एक सिंगर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था और वो बी लाइव के थ्रू हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे नए सिंगर्स को भी मौका मिले उस तरीके से एक प्लेटफॉर्म करने की कोशिश की है। सो बहुत नए सिंगर, इतना टैलेंट छुपा, कई तो बेचारे आए थे घर से सिंगर बनने, कुछ और बन के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ढूंढो, पता करो कहाँ है वो। मुझे मुझे एक का पता है। हाँ वही एक है, मेन उसको ले आए ना आप। अच्छा राहुल, ये सबसे छोटा जो दिख रहा है, हो सकता है पता नहीं बड़ा भी हो, दिखता गुन्ना है। तो इसने 6 साल की उम्र से डांस करना शुरू कर दिया था, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को ये डांस सिखाता, और डीजे ब्रावो नहीं जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार, उनको भी इन्होंने डांस सिखाया उसके वीडियो में। तो डीजे ब्रावो जब हमारे शो पे आए थे तब आपके मन में ये बियॉन्ड इमेजिनेशन थॉट आया था कि आपको भी आने का मौका मिलेगा? ये सबसे छोटा है ना यार। अरे पर इन्होंने विल स्मिथ को भी सिखाया। हाँ, विल स्मिथ, विल स्मिथ को भी सिखाया है इसने। विल स्मिथ को भी सिखाया, उनको तो आता भी नहीं है। हाँ पाजी, कभी सोचा नहीं था, बट इतना श्योर था कि सर के साथ जुड़े हैं जितने लोग, तो इतना पक्का पता था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर बनूंगा इनकी वजह से। वाह, क्या बात है। इस म्यूजिक वीडियो का भी कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी है। कोरियोग्राफर? अच्छा, सारे गाने जितने भी, इनफैक्ट स्ट्रीट डांसर के कोरियोग्राफर ये हैं, ये जितने भी 5 वीडियो जो मैंने अभी किए हैं सारे के कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी। बाकी सबने एक्ट किया है? बाकी सब एक्टर है। अच्छा, ऐसे लोगों को बंदा डांस सिखाने वैसे डरता है कि इनको मैं क्या बताऊं। फिर आपके दिमाग में नहीं आता था यार ये सब सारे के सारे धुरंधर ही हैं? नहीं सर, एक्चुअली शुरू सबने साथ में ही किया था, बट ये लोग पर्दे के आगे थे, मैं पर्दे के पीछे था, तो हम लोग का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम साथ में ही डांस करते थे, तो कभी ऐसे लगा नहीं। हम सब एक रियलिटी शो से निकले जहाँ पे हमने सभी स्टाइल किया। अच्छा। तो ये सब इतने मोल्डेबल है, दे आर लाइक वाटर। पर सुनते थे तुम्हारी? सच्ची बताओ।
मैं बताता हूँ, स्ट्रीट डांसर के टाइम पे एक रिहर्सल था, सब कर रहे हैं और ऐसा मूवी में दिखाते ना, सब कैमरा पैन पैन हुआ, एक कोने में कोई बंदा है, कौन है, कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी, वो ऐसा बैठा हुआ है, बैठा है, उठा तो पूरे इधर चंद्र बिंदु लाल हो गया था, जिसके सिर्फ ये तो उस फिल्म के टाइम थोड़ी मुश्किलें आई क्योंकि इतने आर्टिस्ट थे और सभी स्टार्स थे, तो सब अपने टाइम से आ रहे थे, सब अपने टाइम से जा रहे थे और मैं सिर्फ हॉल के दरवाजे के पास बैठे रहता था। अच्छा इनको सिखाओ इनको, बट सभी इतने अच्छे थे कि सभी ने सीख लिया और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। अरे सारे दर्शकों को पता है कि एबीसीडी में गाना था बेजुबा, फिर एबीसीडी 2 आई उसमें गाना था बेजुबा फिर से, फिर स्ट्रीट डांसर 3D में गाना आया बेजुबा, कब से सर इतने बेजुबा आप कब से हुए? मतलब पहले थे कि शादी के बाद हुए? हमारी भाभी जी भी यहाँ पे बैठी हुई है, भाभी सॉरी ये क्वेश्चन इन्होंने कहा था मुझसे ऐसे पूछना, मेरे को नहीं बेजुबा ही है। बीवियों को इतना बदनाम क्यों करते हो आपको तो मैं बदनाम, इसमें कौन सी बदनाम करने की बात, आपको क्या लगे आपकी बीवी तो ठीक है ना? आप हाय एवरीवन, बंपर क्या है ये सब, मैंने कभी आपसे पूछा क्या है वो सब? कौन सा वो सब? ये लो जिस आदमी को अपने वो सब के बारे में नहीं पता वो मेरे ये सब के बारे में पूछ रहा है, क्यों जवाब दूं मैं आपको? और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं आज मैं यहाँ पर अपनी ना शादी करवाने के लिए आई हूँ। ठेले पे कौन आती लड़की शादी करने? माय ठेला इज माय ठेला, नन ऑफ योर ठेला। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पिक अप वन केला, एंजॉय द मेला एंड लीव मी अकेला, ऑलराइट? अरे यार रेमो जी आप ऐसे कैसे बैठे हैं, कुछ लीजिए ना। कुछ लेके तो आई नहीं, क्या ले ले? हाँ तो मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। कैसी बातें कर रही बंपर तू? मैं रोमांटिक बातें कर रही हूँ, आपने कभी की नहीं पहले? अजीब आदमी है, बेसिक रोमांस भी नहीं आता इनको तो यार। देखो जब दूल्हा दुल्हन की सहेलियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, तो फिर एक दुल्हन अपने दूल्हे की सहेलाओं के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकती? क्यों जेठ जी, सही बात की ना मैंने? जेठ जी ये तुम्हारे जेठ जी कैसे हो गए? ऑब्वियसली यही हुए ना जेठ जी, क्योंकि मेरी शादी आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे नहीं, मुझे आज आप नहीं रोकेंगे, समाज के सामने सब कुछ बता दीजिए सच सच। देखिए सच्चाई तो यही है कि प्यार और पिंपल छिपाए नहीं छिपते, प्यार और पिंपल फिर भी छुप जाते हैं, ये इतनी बड़ी है ना, कितनी भी बड़ी रजाई ले ले इसके हवा घुस ही जाती है अंदर कहीं ना कहीं से। पहली बात तो आप मेरी रजाई में झांकना बंद कीजिए। और दूसरी बात, कब तक ये बंपर रहेगी अपने दम पर? अब ये रहेगी धर्मेश की बीवी बनकर। कुछ बुरा तो किया ही होगा पिछले जन्म में। धर्मेश जी आप चलिए ना साइड में जाके, हम लोग अकेले में थोड़ा थोड़ा डांस कर लेते हैं। अकेले में तो बात होती है, बातें अगर अकेले में होती है तो आप इतना मजमा लगा के बातें क्यों कर रहे हैं? अकेले में बात होती है। वैसे भी हमें भी कोने में जाके कोई बातें बातें नहीं करनी, हमको डांस ही करने हैं, क्योंकि क्या है हमारे एक बार ना 36 के 36 स्टेप्स मिल जाएंगे ना, उसके बाद कपूर शर्मा आप भी हमारी शादी में जलूल से जलूल आना। तेरी शादी मेरा तो पता नहीं, वन विभाग वाले आएंगे, ऐसा कैसे तू किसी इंसान से शादी कर सकती है? पीछे हट जाओ, फटने वाली है। धर्मेश देख रहे हो? चल रो मत, सब हंस रहे हैं, ऐसा मत कर। सुनना तू शादी वादी छोड़ ना, पहले जिम विम जाया कर, फैल रही है बैठ। जिम का क्या फायदा है आप मुझे बताइए, कोई फायदा है जिम का? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ है ना यहीं पे रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाने वाले हम साथ में, मेरा जो ये है ना वो यहीं रहेगा। आपका भी सपना यहीं रह जाएगा, लेकर जाएंगे सिर्फ एक चीज, वो है काश। क्या काश? उस दिन मैंने गुलाब जामुन खा लिया होता, काश उस दिन मैंने रसमलाई खा ली होती। आपको जो दिख रहे ना ये सिक्स पैक एब्स वाले बॉडी वॉडी डोले वोले वाले, ये रात को अपने फ्रिज से लिपट के रोते हैं सारे। मुझे पता है, सिसक सिसक के आंसू बहाते हैं ये लोग। लेकिन बनाइए, नहीं मुझे कुछ नहीं है, आप बनाइए। ओके हाँ, बॉडी वॉडी बनाइए, बनाइए डोले शोले, लेकिन चलते हैं सिर्फ मेरे जैसे क्यूट गोले मोले। एनीवेज मुहूर्त, पुजारी जी कहाँ है? पुजारी जी, पुजारी जी, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, आपको मंत्र पढ़ने हैं। मंत्र पढ़ने हैं आपको, अभी शादी का वक्त निकला जा रहा है। कम ऑन, तूने सोच भी कैसे लिया वो धर्मेश तेरे से शादी करेंगे? मैंने नहीं सोचा था,
मैंने पहले इनके बारे में सोचा था लेकिन आई एम टेलिंग यू ये आदमी मुझे इतने ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं ना क्यों सबसे पहले तो अपने करियर की शुरुआत में फालतू फिल्म बना दी नहीं मतलब फिल्म का नाम ही फालतू था फिल्म तो अच्छी थी लेकिन बाद में ये क्या बनाए एबीसीडी वन फिर एबीसीडी टू फिर थ्री बनाई लेकिन एबीसीडी की नहीं बनाई रेस की बना दी ये क्या हो रहा है उसके बाद रेस के थ्री से थ्री उठाया एबीसीडी से डी उठाया स्ट्रीट डांसर थ्री डी बना दिया कर क्या रही आदमी फिर उसके बाद अपने छह आठ लोगों को उठाया उठा के गाना बना दिया फिर ये कप्पू शर्मा यहाँ बैठे इन सबको उठाया उठा के एपिसोड बना दिया बैंड के लिए अपने पास दिनेश है ये बैंड बजा देगा ये शादी में बैंड नहीं बजाते ये वहाँ भी नहीं बजाते आदमी की ईमानदारी माननी पड़ेगी नहीं बजाते तो कहीं नहीं बजाते वैसे भी मेरे सारे देवर हैं देखिए लेडी संगीत होएगा कोरियोग्राफी डांस वान सब आप लोग हैंडल कर लेंगे एकदम बाकी का शादी का वीडियो बनना है रे मुझे यहाँ बना लेंगे वो क्यों वीडियो बनाएंगे भी सुभाष गाई ने ना अपने जीवन में उतनी फिल्में नहीं बनाई जितनी लॉकडाउन में इन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाए हैं सर आपको आइडिया भी है कि आपकी वजह से इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम नहीं रहा इंस्टा किलो हो गया इतने वीडियो भारी भारी वीडियो बनाए और उसके अंदर इनके वीडियो जोड़ दो तो इंस्टा किलो छोड़ के इंस्टा क्विंटल हो गया है अब तो धर्मेश जी क्या हमारी शादी होने वाली है तो थोड़ी बेसिक गुफ्तगू जरूरी है हमारे बीच तो हम कर लेते हैं मैं शादी के बाद ना आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसे घूमने गई जरा पार्टी वार्टी करने गई कोई हॉलीडे पे गई वेकेशन पे गई आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम चलेगा यही चलेगा एक्चुअली यही चलेगा स्पेस दिया स्पेस ये आप मुझे स्पेस दे रहे हैं वाह बहुत खूब जरा सा भी पोजेसिवनेस नहीं है आपको अपनी बीवी के प्रति मैं नहीं करूंगी शादी ऐसे आदमी से ये है आपका पोजेसिवनेस मैं जाऊं आपके दोस्तों के साथ आपको चलेगा मैं तो आपको चेक कर रही थी आप हार गए आई एम रिजेक्टिंग यू आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी आई एम रिजेक्टिंग यू लेकिन मैं यहाँ से ना शादी किए बगैर जाऊंगी नहीं किसके साथ अब दूसरी शादी एक काम करते हैं ना देखिए ऐसे हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे तो एक काम करते हैं आप लोग नृत्य में तो निपुण हैं ही अच्छा तो मुझे बेसिकली ना काफी ऐसा वो मस्ती खोर वाला डांस ना एकदम टपोरी वाला डांस ना वो सब मुझे बहुत पसंद है तो आप लोग ना मेरे साथ नृत्य कीजिए ओके मुझे जो भी ठीक लगा लाइक यू नेवर नो मुझे कौन अच्छा लगे आप लोग को आइडिया नहीं मुझे क्या दिख रहा है क्लोजअप में तो कुछ सवाल जो हैं वो आपके फैंस के हैं जो हमने उनको बताया कि आप सब लोग आ रहे हैं जी तो उन्होंने पूछा कि एक दूसरे से पूछना जरूर कि ऐसे कौन करता है कोई भी जवाब दे सकता है प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन झगड़ता है कि इस जगह पे तो मैं ही डांस करूंगा ये आदमी यस सर अभिनव हाँ पहला वीडियो में बाजी पहले वीडियो में विद्रोही तरह के आपके विचार हो गए हैं और ऐसे डांसर्स जो धरुंदर है उनके सामने आपने कहा कि मुझे ऐसे करना है सर वो क्या था खुद का गाना था खुद लिखा था मैंने तो जब भी लिरिक्स जब आता था तो लिप सिंक ऑटोमेटिकली निकल जाता था फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे हमारे जो कोरियोग्राफर की असिस्टेंट थी अलीशा अच्छा अलीशा उसका हर बार कंप्लेन होता था सर इसको बोलो ना पीछे रहने के लिए बार बार आगे आ जाता है सबका लाइन ले लेता है ये तंग किया है आप बोलो तो सोनी टीवी को बोल के इनका मुंह ब्लर करवा दे वीडियो में इधर जरूरत नहीं पड़ेगी इधर अच्छा है कि सब लोग देख रहे हैं अगर एक ही कैमरा होता तो शायद मैं बोलता खाने में सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है सब नखरे सब इतने डाइट कॉन्शियस है नहीं नहीं एक आदमी जो यहाँ नहीं है जो एब्सेंट है राघव वो खाने में नखरे करता है पहली मुलाकात हम लंदन में और भूषण कुमार जी से हम पहली बार मिल रहे हैं हम सब रुके हुए भूषण जी आते हैं हम सब बोलते हैं हेलो सर हेलो सर राघव आता है कहता है सर एक हफ्ते से दाल बड़े कच्ची है सर थोड़ा दाल पकवा दीजिए दाल अच्छी कर देते दाल बड़ी कच्ची और भूषण जी ऐसे हो के दाल उनके असिस्टेंट को शिव थोड़ा देखो दाल कच्चे हैं ये एक्चुअली हुआ है ये बाप रे कौन करता है ये तो वो तो पहाड़ों में कहते भूषण कुमार ने तो नहीं भेजा उनको कि जाओ तुम
अच्छा खुद को सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बता के शॉपिंग में डिस्काउंट कौन मांगता है? हम लोग तो नहीं करते बट लिजल बहुत करती है। अच्छा बार्गेनिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हम लोग तो डरते हैं। पूरा हमारा जो ग्रुप मेरी जो पुरानी गैंग जो साथ में जाते थे हम लोग तो इसके साथ जाने के लिए डरते हैं। डर लगता है वो वैसे उठाती है कोई चीज। हाउ मच आपने बोला 500 100 नो कट। तो हम लोग बोले भाई कोई दुकान वाला थोड़ा मान जाएगा ऐसे थोड़ी बार्गेन करता कोई। बट फायदा भी होता है ना। यस यस बहुत मुझे हुआ इस बार गोवा में 2000 में 5 टॉप और बेबी का फ्री। अरे इंग्लिश बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कौन करता है? मबरूक 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 मबरूक। सच बोलूं बोलूं बल्गेरिया में सब पोल खुल गया विद इन दो। कोई भी किस्सा इसका लोकल नहीं सारे इंटरनेशनल है। फिर अभी है तो है भाई। तो हम लोग अभी गए शीशा के लिए। अब शीशे के लिए गए और दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आके हमारे पास वाली टेबल में बैठती हैं। अच्छा और भाई कहते हैं कि अच्छा हाँ। तो फिर मैंने कहा क्या करना है? बोले भाई बात करो ना। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं? कह रहे भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती आप शुरू तो करो। सर वो डिसाइड करते करते ना हमारा एक घंटा निकल गया। थैंकफुली उस मोमेंट पे करिश्मा तन्ना आई। अच्छा और हमारे साथ बैठी। तो हमने करिश्मा को बोला कि करिश्मा हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दो। पहले तो ये ऐसे देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा ना तो मेरी शादी हुई ऐसा करके। और जैसे बात करने के लिए हाय और करिश्मा हाय सलमान यस मेरे सलमान यार लड़कियों से बात करना चाहता है यार। मैंने करिश्मा को बोला कैसा आदमी। मैं बताता हूँ कि हम सबको पता है कि थोड़ा इंग्लिश में धर्मेश थोड़ा 19-20 है। उसको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि आसपास सिर्फ लड़कियां घूमती है क्योंकि धर्मेश लव्स पार्टिंग। अच्छा अभी पार्टी में आया पहले तो उसके अंधेरा फुल डार्क है तो भी चश्मे पहनेगा ग्लास लूज कपड़े चेन चलेगा। चार पांच लोग है एंड देन उसका डांस होता है। डांस नहीं होता बंदूक चलाना होता है। फिर इसे चश्मे के थ्रू देखेगा। अच्छा अच्छा अभी तक इंग्लिश हुई नहीं है। अभी लड़की को भी पता है कि अच्छा इंग्लिश गाने में नाचे इसको इंग्लिश तो आती होगी। अभी इसको पता है कि तीन चार वर्ड है जैसे कपिल ही बोलता है उसको वो तीन चार वर्ड याद है। या मेबी ऑफकोर्स या मेबी ऑफकोर्स इसमें हो जाता है। फिर बंदूकें चलने लगती है। ये मैं भी बंदूक के चलाऊंगा पार्टी में जाकर। सॉरी मेरी शादी हो भूल जाता हूँ कभी कभी चल जाएंगी। आज देख लो आज सारे देखो कैसा माहौल बना ईश्वर ने बनाया। सारे मर्द के मर्द बैठे हुए हैं। मैं आपको कहा मैंने अरे मैंने कहा इस तरफ मैं आप अपने में ले लेते। मैंने आपको कहा डांस करते करते कपड़े किसके ज्यादा फटते हैं? पार्टी का बंदूक बोला ना सलमान का बता। अच्छा तहजीब मैनर्स अगर इंसान होता हुआ सलमान यूसुफ खान है ठीक है ना। अभी आएगा मकरूफ। अभी ये लड़की देखी मे आए लड़की ने हाथ दिया फिर लड़की इधर है फिर ये लड़की है ऊपर घुमाया उधर पूरा क्राउड आ गया जैसे गोवा में भी हुआ था। गोवा में एक हैट में एक बंदा है मैं आए सलमान यूसुफ खान सब अंकल अंकल सब बाजू पूरा क्राउड और लड़की ये बाल ये जूप जाप जूप जाप और जीत के आ गए पार्टी। अरे वाह ये चल रहा है वहाँ ये सब करके मतलब भाई जीत गया। मैंने देखा एक बार हम लोग एक डांस रियलिटी शो में होस्ट कर रहे थे तो ये सलमान और दृष्टि ये दोनों विनर थे। अच्छा पार्टी में आके फिर उतना ही नाच रहा है। मैं कहा अब तेरे को चैनल तेरे नाम कर दे सारा जीत तो आए वहां पे। नहीं मुझे पता है वो शो का क्या है ना मैं भी था वो शो में उसमें नेक्स्ट सीजन भी होता है ना तो हम लोग का फोकस ये रहता है ये सीजन तो हो गया नेक्स्ट सीजन करने। रिमेंबर दैट रिमेंबर दैट। अच्छा धर्मेश के बारे में हमने सुना कि इनका पहला ब्रेकअप तब हुआ था जब ये किसी लड़की के कहने पे 10,000 रुपए महीना कमा के नहीं दिखा पाए थे। ऐसा हमने सुना है। हाँ। और अब तो बैंक बैलेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब क्या स्टेटस है गर्लफ्रेंड का या फिर अभी अभी तो सिंगल है मतलब अभी 2 साल से सिंगल। 2 साल से सिंगल है तो कितनी देर तक रहते हैं आप सिंगल?
डिपेंड्स नहीं नहीं ऐसा जब तक दोबारा बल्गेरिया ना चले जाओ नहीं अभी थोड़ा सिंगल ही रहना फिर देखते हैं काम के बाद सोचेंगे अच्छा सलमान की ना लड़कियों में फैन फॉलोइंग बड़ी है मैंने देखा हुआ है एक दो शो हमने साथ में भी किए और इन्होंने जिनसे शादी की है वो इनकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी College. अच्छा वो तो आपको बचपन से जानती थी फिर भी उन्होंने आपसे शादी कर ली ये क्या बात हुई अरे मजाक कर रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत बार ऐसा होता है रियलिटी शोज में यहां लड़कियों बोलती हैं कि अरे सलमान आई वांट टू टच योर सिक्स पैक अब अरे बोल भी देता या या यू कैन मे आई यू आई या ऐसे बोल देता है तो मेरे को बकेट लिस्ट में होता है कभी-कभी ये इनके बकेट लिस्ट मेरे को ये पूछना कि जब आप घर जाते हैं तो बिस्कुटों पे कूनी नहीं मारती बीवी कि ला तेरे बिस्कुट मेरे को दिखा नहीं यार नहीं कपिल ये ना मतलब कॉलेज के टाइम की बात है कि अगर एक रूम में अगर 60 खूबसूरत लड़कियां भी हों हां तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए चलता हूं तो आई नो हाउ मच आई लव हर एंड शी नोस दैट तो वो ऑनेस्टी है इसलिए आज शेर की तरह फ्रीडम है और घूमता हूँ क्योंकि आई हैव नेवर क्रॉस दैट लाइन आई हैव नेवर मेस्ड अराउंड और चाहिए भी नहीं यार एक अच्छी जिंदगी और कोई ज्ञान दो हमें ये यही प्रॉब्लम है कोई साला भरोसा ही नहीं करता नहीं 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 मैं आई ट्रस्ट यू ब्रो यार राइट अच्छा धर्मेश के साथ आपने देखा एबीसीडी में लॉरेन इनके साथ थी बैंजो में इनके साथ नरगिस फाकरी थी स्ट्रीट डांसर में इनके साथ नोरा फतेह सब इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां और ये जो गाना है इसमें इंग्लिश का हिंदी बोलने वाली लड़की भी नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि सारी अंग्रेजी सीख चुके हैं जितनी सीखनी थी इंग्लिश इतना ज्यादा मैं सोचता नहीं कि मुझे सीखनी है जरूरत नहीं लगती कभी टैलेंट है ऐसा अच्छा माशाल्लाह ऊपर वाले ने दिया है इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बस यू नो व्हाट लाइक कमिंग फ्रॉम दिस साइड दिस एंड या समझ आते हैं समझने वाले बाकी उनकी टेंशन उनको नहीं आती हिंदी हमारी क्या प्रॉब्लम है अच्छा मैंने एक चीज देखी अर्चना जी जो लोग पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल बड़े होते हैं क्योंकि टीचर कभी मुर्गा बना दिया कभी हाथ पीछे कर दो कभी ये सब जैसे मैं बचपन में बहुत फ्लेक्सिबल था योगा वगैरह तो अब सुनने में आया हम लोग पहले बड़े ऐसे से पोज करते थे तो आप लोगों का क्या हाल था स्कूल में मैं अभी भी फ्लेक्सिबल हूँ सलमान आप शुरू से इंग्लिश बोलने वाले बच्चे थे या मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एजुकेशन नहीं बचपन में तो नहीं होंगे ना स्कूल में बचपन में स्कूल में आई वाज वेरी स्टूडियस मैं बहुत स्टूडियस था पढ़ाई लिखाई पूरी पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर जब से लाइफ में डांस आया तो पढ़ाई थोड़ी नीचे हो गई ओके तो फिर डांस एक चीज में महारत था वो बहुत अच्छा धर्मेश आप कैसे थे पढ़ाई में मैं पढ़ाई में ठीक मतलब नहीं था बचपन में आप जवानी में पढ़ाई में ठीक नहीं लगते आप पुजारी जी कैसे थे सर मैंने दो तीन स्कूल चेंज किया झगड़ा बहुत कर रहा था थोड़ा टपोरी टाइप था मारा मारी बहुत होता था हैं हाँ तो बदलाव कैसे है आपके जीवन में संघर्ष सर जब से रेमो रेमो सर को देखे उनको देख के उनके तरह की उनके तरह मैंने स्वभाव करना अपना कि कोई भभूति वगैरह देते ही है नहीं नहीं अभिनव आप कब मिले थे जाकिर हुसैन साहब से सॉरी आप कैसे थे बचपन में पढ़ाई में सर पढ़ाई में अच्छा था मैं और जैसे गाने वाने लिखने का जो शौक था वो स्कूल में पोएट्री करता था अच्छा और वहाँ पे क्या होता था जैसे मेरे दोस्त यार थे उनकी गर्लफ्रेंड्स अगर नाराज हो गई कुछ हो गया सिचुएशन तो वो आते थे मेरे पास बोलते थे भाई लव लेटर लिखना है अच्छा तो मुझसे शायरियाँ लिखवाते थे और ले जा करके वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को सुना देते थे पहले दोस्तों के लिए लिखता था खुद के लिए तो प्रैक्टिस हो गया रियाज हो गया जी रियाज आप स्कूल में राहुल अब तो अभी स्कूल में ही मुझे लगता है राहुल कैसे थे स्कूल में मैं सेम अच्छा ही था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था इंजीनियरिंग खत्म की कॉलेज में आके मतलब स्कूल में सेम मैं सेम अच्छा ही था अच्छा ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना अभी तुम अच्छे हो कि नहीं यार इतना बच्चा बोल रहे हो उम्र तो पूछ लो कितनी उम्र है अभी जुलाई में मैं 30 का हूँ बड़ा गुन्ना आदमी है तू ऐसे लोग होते हैं हीरोइन का माइक भी ठीक कराते जाकर उनको लगता है बच्चा ही कोई बात नहीं मैडम पुनीत आप कैसे थे स्कूल में बहुत ही एवरेज एवरेज किसको मानते हो आप क्योंकि इतनी इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे थे मेरे को ना ना इंग्लिश की बात नहीं है हाँ स्कोर वाइज मैं पढ़ाई में मुझे पसंद ही नहीं थी पढ़ाई जिस बुक में फोटोज ना हो बुक पढ़ू ही ना मैं पढ़ाई करनी है रूम में डाल देते थे अभी मैं पढ़ाई नहीं करना है क्या करें एक मिरर रहता था तो मिरर के सामने कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा चीजें करने का उधर से थोड़ा हुआ बट पढ़ाई कभी भी नहीं बोलते ना प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ आप नहीं चुनते हाँ. मैंने सुना कि आप उंगलियों का इतना अच्छा डांस करते हो इतना नचाते हो उंगलियों को तो जब ये ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर में उंगली करते हो आप तो उंगली नॉर्मल आती है कि सांस फूली रहती है उंगली की
हैं? नहीं, वो उंगली अलग उंगली है, ये उंगली ऑक्सीजन वाली है, नॉर्मल है। अच्छा, एक सवाल था हमारी टीम में से, बोलते हैं कि जब आप किसी को कोरियोग्राफ कर रहे हैं, सामने आपकी मनपसंद हीरोइन है, तो आप फटाफट इजी इजी स्टेप करवा के काम खत्म करते हो कि मुश्किल स्टेप करा के ज्यादा समय व्यतीत करते हैं? सलमान, सलमान सोच रहा हमारी चोरी पकड़ गई। क्या करते सलमान, सच्ची बता। नहीं बोला। नहीं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिखाते हो, अगर आपको आर्टिस्ट पसंद है तो थोड़ा और फिनेस और थोड़ा क्लीनिंग पे ध्यान देते हो आप। मतलब हाँ, पसंदीदा हीरो हीरोइन हो तो आप डिटेलिंग में काम करते हैं। हाँ, वो सबका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। टू स्टेट्स के गाने सर कर रहे थे और मुझे आलिया भट्ट पसंद है, और मैं सर को असिस्ट कर रहा था तभी, और गाना था जहाँ पे वो अपने रूम में है और दे गेटिंग इंटीमेट, दोनों क्लोज हो रहे, तो अर्जुन को टाइम लग रहा था आने के लिए और आलिया उधर थी, तो बोला कि अच्छा काम कर पुन्नू, तू जा अर्जुन की जगह। मैं बोला वेरी गुड। मैं बोला यस सर, यस सर, यस सर, जाऊंगा। और मुझे लगा सर बोलेंगे आलिया जस्ट टेक योर पोजीशन एंड मार्क, एंडी जरा जा। एंडी भाई सर के असिस्टेंट है, जो थोड़े टकले से लड़के है यार, मतलब कहा मैंने ख्वाब आलिया भट्ट का देखा, आलिया भट्ट आ गई। और कहा एंडी, एंडी भाई आ गए, और स्टेप था ऐसा कि जहाँ पे एक लेटा हुआ है दूसरा ऊपर है, तो ख्वाब में मैंने आलिया देखी थी सामने, एंडी भाई थे इधर। और सर फिर सब मेरे बोल रहे ये करो वो करो, और फिर मुझे एंडी भाई के साथ करना पड़ा। आप ऐसा क्यों करते हो? आप आलिया को भी तो बोल ही सकते थे, इतने पुराने साथी आपके, आलिया तो आपको कल मिली। ओ, मैंने आपका भी सुना है, आप भी पूजा भट्ट के चक्कर में, नहीं सॉरी। तो पता है उनको, पता है। नहीं भाभी, सलमान को पूछ रहा था, आपने इधर देख लिया, माफ कर दो भाभी। पर ये बात सच्ची है, क्योंकि मुझे लगता था रेमो सर पहले डांस में स्ट्रगल करने आए होंगे, पर फिर हमने किसी इंटरव्यू में ऐसे पता चला कि आप पूजा भट्ट के चक्कर में आप मुंबई आए थे। मैं एक्चुअली सही बात तो ये है कि मैं पूजा भट्ट के चक्कर में, तब आपकी शादी हुई थी? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा पहले की बात है, तो आराम से बताओ आप। मैं एक्चुअली पूजा भट्ट का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा जी। और स्कूल टाइम में जब उनकी फिल्में रिलीज हुई थी, तो उनके हर पोस्टर या न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो भी फोटो आती थी, मैं खुद दीवारों पे लगा देता था। अच्छा जी। तो मेरे भाई का रूम अलग होता था, और मेरी सिस्टर्स और मेरे मम्मी डैडी अलग घर में रहते थे। तो मेरी बहन आई एक दिन घर पे, और उसने देखा कि पूरे पूजा भट्ट के पिक्चर्स हैं, एंड उसने कहा कि ये तू सिर्फ पिक्चर्स ही लगाता रहेगा, तू फायदा क्या देता। तो ऐसे क्यों, तो बोलता तू कभी मिल तो सकता नहीं ऐसे। अच्छा। ऐसे मिल के दिखाया, तो उसने कहा कि ठीक है अगर तुम मिल लेगा इससे पूजा भट्ट से और फोटो खिंचा लेना। अच्छा। तो मैं तुझे चांदी का ब्रेसलेट दूंगी। अच्छा, वाह। और उस वक्त चांदी का ब्रेसलेट मतलब मुझे बहुत ही मुझे पसंद था और मुझे चाहिए था। फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं ये करके दिखाऊंगा। एक साल निकला, कोशिश किया, मुंबई आया, स्ट्रगल किया, बैकग्राउंड डांसर बना, औजार फिल्म थी, एंड उस दिन पूजा भट्ट उस सेट पे किसी से मिलने आई थी, और मेरा किस्मत देखो मैं गया उनके पास, मैंने फ़ोटो खिंचाई, गाना ख़त्म किया, वो फोटो लेके गया वापस गुजरात, ब्रेसलेट लिया, मेरी बहन को दिया, ब्रेसलेट लेके आया वापस। वाह। ओह माय गॉड। आई होप शी इज वाचिंग दिस, शी वुड लव टू हियर दिस स्टोरी। या किसी दिन मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा कि भाभी क्या बोल रहे हैं उनकी वजह से। ये आपके ऊपर है, हम क्या है, बोल सकते हैं। अच्छा। बोल लेना, देख लेना फिर। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे को क्या, आपको पता चलेगा? बेजुबान। यहीं से पकड़ना भाभी, यहीं से। सीधा जीन्स का बरमूडा ना बनाया। बट यार थैंक्स कहना चाहूंगा ऑफकोर्स कि उनकी वजह से यहाँ तक आया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यार जो हम वहाँ बैठ के सिर्फ सपने देखते थे कि मुंबई जाएंगे और कुछ करेंगे, और तो उनकी वजह से शायद वो एक फोर्स था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। बट हम सब लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए ना, बचपन में देखते थे ऑन द बिग स्क्रीन और सोचते थे कि कभी इनसे मिल भी पाएंगे, कभी देख भी पाएंगे, यू नो। पर आपकी स्टोरी भी बड़ी कमाल की अर्चना जी। अर्चना जी शुरू से दारा जी की, दारा सिंह जी की, उनके जैसा बनना चाहते थे। Ma'am, I love you. You know that. अच्छा ये ना इनका थोड़ा है प्रॉब्लम, इशू है थोड़ा। क्या? वो डॉक्टर को भी दिखाया, बोलते हैं वो ठीक नहीं हो सकता। इनको ना दूसरों की कमाई जानने का बड़ा शौक रहता है।
तो ये सवाल इनका ही एक्चुअली, तो ये पूछ रही थी कि आप पर स्टेप चार्ज करते हो या ये लमसम होता है कि 3 मिनट के गाने का इतना, 5 मिनट के गाने का इतना। इनका एक और सवाल था, कहती जैसे मंदिर होता है कोई, तो उसके सामने जितनी मिठाई की दुकान है ना, सबके रेट सेम रहते हैं, अगर कोई सस्ती बेचे ना तो मार्केट यूनियन में कंप्लेंट होती है, तो ऐसा कभी होता है कि आपने अलग अलग काम पकड़ा हो और किसी ने रेट कम कर दिया हो और दूसरे ने आके रेमो सर से कंप्लेंट की हो, अरे मार्केट प्राइस भी घट रहा है। क्या बोलते हैं कि नहीं भाई जिसको मन या नहीं होता या ये लोग बिल्कुल नहीं करते, बट होता है, हर फील्ड में होता है। नहीं, कई बार आप डबल भी चार्ज कर रहे हो दूसरे से, लेकिन आप इफ द प्रोड्यूसर वांट्स यू ही'ल पे दैट डबल, लेकिन कभी प्रोड्यूसर सोचता है यार 1 लाख भी कम ना उसको ले लो, तो दैट्स द प्रोड्यूसर्स लॉस। जो लोग ऐसे मामलों में नॉलेज आपकी बड़ी कमाल है, 40 साल ऐसे घास नहीं काटी मैंने इंडस्ट्री, नीचे कैलकुलेटर भी रखा होगा ना, पता भी कर लिया होगा रेमो कितना कमाता, ओह माय गॉड कितने पैसे। अच्छा जैसे कॉलेज में होता है ना पुनीत, आप सबने सलमान एक्सपीरियंस किया होगा धर्मेश, कि जैसे कोई गिटार बड़ी अच्छी बजाता हो ना कॉलेज में तो लड़कियां बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं, तो डांस का क्या हाल है, डांस में भी लड़कियां ऐसे इंप्रेस हो जाती हैं? डांस का भी ऐसे है, नेक्स्ट लेवल। मेरा पहला ऑटोग्राफ मुझे कॉलेज में ही मिला था। अच्छा, और माउंट कामल्स कॉलेज है वहाँ पे बैंगलोर में, बहुत फेमस, जहाँ से दीपिका अनुष्का सब बड़ी हुई हैं। अच्छा, और मेरा एक परफॉर्मेंस था वहाँ पे विद माय ग्रुप ऑफ कोर्स, और हमारा परफॉर्मेंस हम जब भी घुसते तो एंड में रखा जाता था। अच्छा, कि सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, और उस परफॉर्मेंस के बाद ना दुपट्टे उड़ते हुए दिखते हमें, वाह, तो वो माहौल भी देखा है। पर आपको कैसे पता, आप तो सिर्फ अपनी वाली को देखते थे। दुपट्टे उड़ते हुए देख रहे भाई साहब, धीरे धीरे बातें निकल रही है। आज सलमान पकड़ा है, आज पूरा तेरा ऑरा चेंज करके भेजेंगे। अच्छा, रेमो सर ने बड़े बड़े स्टार्स को कोरियोग्राफ किया, जैसे कांटे में संजय दत्त साहब को, कैश में अजय देवगन साहब को, जो बोले सोनेल में सनी देओल साहब को, सोहेल भाई से भी इन्होंने डांस करवाया। हाँ। अच्छा, नॉर्मली होता ना अर्चना जी, जब हम किसी के घर 4 बार खाने पे जाएं तो 1 बार वो भी आपको बुला ही लेता है। तो जैसे आप हमारे शो में बहुत बार आ चुके हैं, तो कभी आपके मन में नहीं है आप हमें अपनी फिल्म में बुला लो या गाने में बुला लो? एक बार तो बंदा बोलता ही है। जैसे कि इसके पहले भी एक बार बोल चुके, अभी वापस बोल रहा हूँ मैं बाकी लोग जैसा नहीं हूँ, मैं 100% आपके साथ गाना करने वाला हूँ। अच्छा, मुझे लगा कहते मैं अगली बार से आना ही नहीं। थैंक यू रेमो, डांस करवाओगे? हाँ, करवा लेंगे, ये करवा सकते हैं। हाँ, आप मेरे काम से जलो मत आप। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सब मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेमो सर, सलमान, धर्मेश, सुशांत, अभिनव, राहुल, उपनीत, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, हमेशा ही मजा आता है। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप 5 गाने बने ना अभी आपके, आज तो एक ही की बात की हमने, तो धीरे धीरे करके बाकी 4 भी करेंगे सर। हाँ, बिल्कुल ना, आपके प्रमोशन में मजा आएगा, हमारे एपिसोड बन जाएंगे। पर मजा आता है हमेशा ही जब आप आते हो। और दोस्तों, आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.